और आपको इसमें कोई भी तरह का खर्च भी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत आसान तरीका। नहीं तो आप गलत लोगों के हाथ में चले जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। तो ये याद रखें, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऐसे होने के चांसेस हैं। आप अपने समस्या के शांति के लिए कहीं भी भटकेंगे और इससे क्या होगा कि आपके पैसे ज्यादा ही खर्च होंगे और फायदा नहीं होगा। ये सिंपल समय है और इस समय समय चल रहा है कि समय का सदुपयोग करें, कि समय को यूटिलाइज करें। इससे आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। तो जैसा मैंने कहा, ऐसा करें, आपके जीवन में बहुत तेजी से प्रगति होगी, काफी लाइफ में चेंजिंग आने शुरू हो जाएंगे, आपका फैमिली लाइफ बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ईच अदर में बहुत अच्छी तरह से लाइफ गुजरेगी। मेरा आशीर्वाद है कि आपका दाम्पत्य जीवन सक्सेस हो, सफल हो। मेरा यही आशीर्वाद है आपके साथ में, सुखी रहो। सवाल आपकी सेहत का हो या पैसे का, आपकी समस्या नौकरी की हो या शादी की, व्यापार में घाटा या कर्जा बढ़ रहा हो, आपके आपसी संबंधों में है तनाव या हो प्यार से जुड़े सवाल, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिषी 24 घंटे तत्पर हैं। तो कॉल करें 5664466 पर और पाएं अचूक और आसान से उपाय तुरंत और संपूर्ण गोपनीयता के साथ। नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। आपके मनपसंद कार्यक्रम भविष्य फल सितारों से खल में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम में अलग तरीके के ये जो वान है, ये जो स्पिरिचुअल, ये जो चीजें आप मेरे साथ देख रहे हो, इसे क्रिस्टल स्पिरिचुअल वान कहते हैं। इस वान का हम लोग उपयोग करते हैं, आप जो अपने प्रश्न पूछते हैं, आपके जो गुण बातें भी होती है, उसका अचूक मार्गदर्शन मैं आचार्य शिवानंद दास अपने 35 वर्षों के अनुभव और ज्ञान के आधार पर इस वाण का इस्तेमाल करते हैं। इसका संबंध से हम अपने स्पिरिचुअल पावर से जुड़ जाते हैं और आप से और आपके बारे में आपको सुझाव देते हैं। वो जो मार्गदर्शन जो हम आपको देते हैं वो अचूक हो जाता है और इसका सहारा ये हम लोग क्रिस्टल वान से लेते हैं, जिससे आपको इसका बहुत लाभ मिलता है। आप इसके द्वारा अपने जीवन में बहुत तेजी से तरक्की करते हैं, जो हम आपको एडवाइस देते हैं, जो हम आपको मार्गदर्शन देते हैं, और इसी तरीके से आप लाभ उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। और अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलो बेटा। हाय, आई एम रूपा, आई एम एंगेज्ड टू सनी फॉर द पास्ट 3 इयर्स। अच्छा अच्छा। ही हैज गॉन टू ओमान एंड सिंस 10 डेज ही हैज नॉट रेसिप्रोकेटेड टू माय कॉल्स एंड मेल्स। Okay. Like when shall he call? Is he involved with another woman? I'm very worried. Please help me. His date of birth is 15 January 1985. Okay. And place is Kerala. But I don't know his birth time. अच्छा, कोई बात नहीं, no problem. Don't worry about that. आप याद रखिए दर्शकों, मैं आपसे आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपना प्रश्न पूछना चाहता है तो बेझिझक पूछे, कोई समस्या की बात नहीं, आपको अचूक जवाब मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग प्रश्न कुंडली तुरंत बना लेते हैं और प्रश्न कुंडली के आधार पर हम आपके प्रश्नों का विधिवत और अचूक उत्तर देते हैं, जिसमें आप हिचकिचाए नहीं, ये नहीं सोचे कि मेरे पास मेरा जन्म समय नहीं है और मैं कैसे पूछूं। तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार का। आप तुरंत क्वेश्चन प्रश्न करें और आप फिकर नहीं करें, प्रश्न कुंडली के आधार पर आपके प्रश्नों का, आपके बातों का सही और अचूक उत्तर आपको दिया जाएगा। तो नॉर्मली मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि जिस तरह की प्रश्न कुंडली बनी है उसके आधार पर सलीम के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने आपके जो टेंशन है, तो वो जो प्रेडिक्शंस की बात है, मैं आपसे ये कहूंगा कि उनका और ये जो प्रश्न कुंडली बनी हुई है उसके आधार पर 7th प्लेस में शुक्र है, और 7th प्लेस में शुक्र जो अगर होता है, शुक्र मटेरियल लाइफ का मालिक होता है और ये रिलेशनशिप का भी मालिक होता है। तो ये मन को थोड़ा सा भटका रहा है, ये सही है, मन को भटका रहा है और इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम, जो आप वरी है, थोड़ा सा टेंस में है, तो ये जायज है आप ऐसा कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, ये होश में जल्दी आ जाएगा, क्योंकि उसे तुरंत कहीं ना कहीं से उसे धोखा मिल जाएगा। धोखा मिलने के बाद वो बहुत एक झटके के साथ सवर जाएगा, लेकिन इसमें भी उसे कम से कम 21 से 22 दिन और लग जाएंगे। नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि ये महीना पूरी तरह से उसके लिए चला जाएगा और अगले महीने में उसके लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आएंगे। हो सकता है वो फोन करे आपको, हो सकता है अपनी बातों को कहे, इमोशनल ढंग से कहे, आप उसको अच्छे ढंग से बात करिए और वापस से वो अपने उस खराब रिलेशन लाइफ से वापस आ जाएगा।
तो आपको इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और आने वाले कल में ऐसा कोई इंडिकेशंस नहीं है कि वापस से कोई गलत जगह पे चला जाएगा या गलत एटीट्यूड के गलत बिहेवियर पे आ जाएगा, गलत संगत में पड़ जाएगा, ऐसा कोई इंडिकेशंस नहीं है। मेरा आशीर्वाद इनके साथ में है, आपके साथ में है, सुखी रहें।